स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में, मैं आपके साथ नेहा वर्मा। काफी हैरानी होती है इस बात को लेकर कि एक अजनबी युवक के प्यार में युवा पीढ़ी इतना अंधा हो जाता है कि वो यह भी भूल जाते हैं कि जिन्होंने उसे पैदा किया है या पाल पोस कर बड़ा किया है, वो एक अजनबी के लिए उन सबको मौत के घाट उतारने से भी परहेज नहीं करते हैं। आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अमरोहा के हसनपुर में रहने वाली शबनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ठीक उससे मिलती जुलती ही रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली यह खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से हमारे सामने आई है। यहाँ गनीमत यह रही कि प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने परिवार के 7 सदस्यों को जहरीला पदार्थ चावल में मिलाकर खिला दिया। प्यार का परवान इतना सर चढ़ गया कि युवती ने अपने ही परिजनों को खाने में जहर खिला दिया। लेकिन समय रहते आस पड़ोसियों को परिवार के लोगों की तबीयत बिगड़ने की खबर मिल गई और उन्होंने इसकी सूचना परिवार के मुखिया नन्हे को दी। नन्हे मुरादाबाद में नौकरी करता है। नन्हे सूचना मिलने पर तुरंत गांव पहुंचे और परिवार के सभी बीमार लोगों को पहले कुंदरकी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यहां हालत गंभीर होने पर सभी लोगों को मुरादाबाद के जिला सरकारी अस्पताल भेजा गया। यहां डॉक्टरों ने उनका उपचार शुरू कर दिया। फिलहाल सभी लोग खतरे से तो बाहर है, लेकिन जहरीले पदार्थ के सेवन के कारण सभी लोग बेहोशी की हालत में अस्पताल के वार्ड में इधर उधर घूम रहे हैं। वहीं परिवार के मुखिया नन्हे का कहना है कि अरविंद नाम का युवक और गांव का प्रधान ने मिलकर उनकी बेटी रितु का बहला फुसलाकर जहर मिलाकर उनको खाना खिलवाया है और उनकी बेटी घर से जाते वक्त सोने चांदी के जेवर भी साथ ले गई है। जिनके माँ बाप जिंदा हैं वे दुनिया के सबसे अमीर और संपन्न लोग होते हैं। माँ बाप ईश्वर का दूसरा रूप है। वैसे कहते हैं कि पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, फिर क्यों लोग अपने माँ बाप का प्यार भूल जाते हैं। फिलहाल परिजनों ने पुलिस से शिकायत की है और मामले में सख्त कार्यवाही की मांग की है। आपका क्या घटना हुई, कौन नशीला पदार्थ देके गया है, क्या घटना हुई? घटना मैं तो रात ड्यूटी पर रहता हूँ, रात में अब इंदिरा का मौत में गए, हम वहाँ से हम आए थे, यहीं रुके, मेरे लड़के बहुत घर चले गए। ये सरमोद कुमार शर्मा मौजूदा प्रधान और अरविंद इसके बाप का नाम अशोक है, इसने उन्हें जहर दिया, लड़की को लाकर दिया होगा, कब दिया होगा, वो मेरी लड़की ने जहर डलवा दिया सब खाने में, वो लड़की फरार है। लड़की किसकी है, आपकी? मेरी। अच्छा। की नाम है, वो लड़का जेल भी गया पर है, इसी के मामले में इसने छुड़ाया 1 लाख रुपए दरोगा जी भी दे। घर के कितने सदस्यों को दिया है? हैं? घर के कितने सदस्यों को जहर दिया है? 7 की। कौन कौन है? एक मेरी पत्नी है राधा, एक मेरा लड़का बड़ा भारत सिंह, एक मेरा लड़का रजनीश, एक लड़के की बहू है नीशु, एक लड़की है शीतल, एक दूसरी लड़की है चंचल, एक लड़का है मेरा देवता 11 साल उम्र अमन, 7 लोगों को जहर दिया। तो अब किसने एडमिट कराया है अस्पताल में? 7 तो कराए, 2 सुबह करा दे। तो कैसी हालत है? अभी एक की हालत जरा वैसी है और होश में आ चुकी है। पुलिस को सूचना दी है? पुलिस को सूचना देने का मेरा अभी मौका नहीं लगा, जाने का इतना आदमी ये सब करो। मैंने ठेठ क्षेत्र में ग्राम इमरतपुर उधव में बीती रात्रि में एक युवती ने अपने परिवारिक जनों को खाने में कोई नशीला पदार्थ दे दिया, जिसके कारण वो बेहोश हो गए और वह युवती घर से निकलकर कहीं चली गई, ऐसा परिवारिक जनों द्वारा बताया गया। परिवारिक जन का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, सारे लोग खतरे से बाहर बताए गए हैं, आगे की वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।